अब अपन लेवल वन की क्वेश्चन वन ट्वेंटी वन टू वन थर्टी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वन ट्वेंटी वन क्या बोल रहे हैं बिस्मिथ डेज टू ए बाय अल्फा मिशन तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है बिस्मिथ है एटी थ्री टू वन फोर इसमें से अपन क्या कर रहे हैं ए बना रहे हैं अल्फा मिशन के साथ यानी टू एच ई फोर इसका मतलब एटी थ्री में से टू एटोमिक नंबर कम होगा एटी वन टू वन फोर में से फोर कम होगा यानी टू वन जीरो फिर ए जो होगा ए हमारे पास एटी वन टू वन जीरो दिया हुआ है इसमें से अपने पास बी बनेगा बाय बी मिशन यानी माइनस वन ई जीरो माइनस वन ई जीरो यानी ये एटी टू हो जाएगा और ये टू वन जीरो हो जाएगा ठीक है विच फर्दर डेज ये हमारे पास सॉरी ए से बी बन गया अब बी से सी बन रहा है वो भी वापस बीटा इमिशन से तो यहाँ पर माइनस वन ई जीरो ये एटी थ्री हो जाएगा टू वन जीरो फिर एलिमेंट सी डिकेस टू डी बीटा इमिशन, माइनस वन ई जीरो तो ये भी एटी फोर टू वन जीरो हो जाएगा एंड डी डिकेज अल्फा इमिशन, डी हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है वो एल्फाइमिशन कर रहा है ई में टू एच ई फोर तो एटी फोर यहाँ पर एटी टू हो जाएगा और ये टू वन जीरो टू जीरो सिक्स में हो जाएगा तो एटी टू और टू जीरो सिक्स अपने पास कौन से दिए हुए लेड के तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ट्वेंटी टू द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड जिसका एटोमिक मास या मास नंबर हंड्रेड दिया हुआ इज़ सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री क्यूरी एट ए सर्टेन टाइम टी इफ इट्स डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इज द मास ऑफ एक्स आफ्टर टी सेकेंड इज तो डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लेमडा इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर फोर पर सेकेंड इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी ए जो है वो हमारे पास सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री क्यूरी दी हुई है तो ये सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री क्यूरी को डिसंटीग्रेशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर टेन डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड हो जाएगा अब फॉर्मूला यूज़ करें अपन एक्टिविटी जो होता है वो लेमडा एन के बराबर होता है तो हमारे पास सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर टेन ये एक्टिविटी हो गया लेमडा की वैल्यू थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर फोर एंड नंबर ऑफ एटम्स जो कि डिसइंटिग्रेट हो रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट आके आएगी सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इन टू टेन टू दावर सिक्स एटम्स जो कि हमारे पास बचे हुए ठीक है अब अपने को क्या करना है मास ऑफ एक्स आफ्टर टी सेकेंड तो इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स के साथ में कितना मास होगा वो अपने को निकाल लें तो अपने पास क्या दिया हुआ है एक मोल का जो मास होगा वन मोल एक्स यानी सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री एटम्स यदि हमारे पास है तो उसका मास होगा हंड्रेड ग्राम तो वन एटम का मास कितना हो जाएगा हंड्रेड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री और इतने एटम्स का सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर सिक्स एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग मास कितना होगा हंड्रेड अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टन टू द पावर सिक्स ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन ग्राम तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन ट्वेंटी थ्री इसमें बोला गया एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए वन एट टाइम टी वन एंड ए टू एट टाइम टी टू टी टू इज़ ग्रेटर देन टी वन दैन द रेशियो ऑफ ए टू अपॉन ए वन तो एक्टिविटी जो होती है हमारे पास वो होती है ए इज इक्वल टू क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ए हमारे पास लेट से ए वन अपन देखते हैं ए नोट ए टू पावर माइनस लेमडा टी वन ठीक है दोनों के लिए ही हमारे पास क्या हो रहा है रेडियोटिव डी के यहाँ पे अलग अलग टाइम दिया गया है पर लेमडा जो होगा कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर ए टू ए नोट ए टू माइनस लेमडा टी टू अब ए टू अपॉन ए वन अपन यदि देखें तो ये e टू द पावर माइनस लेमडा टी टू ए टू द पावर माइनस लेमडा टी वन तो ई टू दावर लेमडा टी वन माइनस लेमडा टी टू ये वैल्यू हमारे पास e टू द पावर लेमडा टी वन माइनस टी टू तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मैच कर रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है वन ट्वेंटी फोर हाफ़ लाइफ ऑफ कार्बन फोर्टीन इज़ फाइव सेवन थ्री जीरो ईयर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल कार्बन फोर्टीन वुड लेफ्ट आफ्टर टू टू नाइन टू जीरो ईयर्स तो अपन यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं एन टी इज्कवल टू एन नोट वन बाई टू की पावर एन वेर एन इज़ टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ यानी यहाँ पर हमारे पास टू टू नाइन टू जीरो अपॉन फाइव सेवन थ्री जीरो ये वैल्यू हमारे पास फोर आ जाएगी तो एन नोट वन बाई टू की पावर फोर ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव एन नोट तो हमारे पास टी टाइम पर या इस पर्टिकुलर टाइम पर जो कार्बन फोर्टीन का प्रेक्शन होगा वो वन अपॉन टू टू पावर फोर या जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव टाइम्स हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन ट्वेंटी फाइव रेडियो एक्टिव सैम्पल हैड एन इनिशियल एक्टिविटी ऑफ़ फिफ्टी सिक्स डी पी एम आफ्टर सिक्स नाइन पॉइंट थ्री मिनट्स इट वॉज फाउंड टू हेव एन एक्टिविटी एट फिफ्टी सिक्स टू ट्वेंटी एट हाफ है तो इसका जो हाफ लाइफ हो जाएगा वो सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री डी पी एम दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सैम्पल हैविंग एन एक्टिविटी ऑफ हंड्रेड डी पी एम ठीक है तो हमारे पास एक्टिविटी निकालनी इज कल टू लेमडा एन अब लेमडा यदि अपने को निकालना है तो एल एन टू अपॉन टी हाफ एल एंड टू जो होता है वो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री टी हाफ सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री तो एक्टिविटी एन निकालना सैम्पल हैविंग एन एक्टिविटी हंड्रेड डी पी एम तो यहाँ पर हंड्रेड डी पी एम लेमडा ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री और नंबर ऑफ आइटम्स जो कि इस एक्टिविटी को अटेंड कर रहे हैं वो एन तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी टेन थाउजेंड तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है वन ट्वेंटी सिक्स ये रेडियो एक्टिव सैम्पल हैज़ इनिशियल एक्टिविटी ट्वेंटी एट डी पी एम थर्टी मिनट्स लेटर इट्स एक्टिविटी इज़ फोरटीन ट्वेंटी एट टू फोरटीन हाफ हो रहा है थर्टी मिनट्स में तो टी हाफ हमारे पास यहाँ पे थर्टी मिनट्स है ठीक है हाउ मैनी एटम्स ऑफ न्यूक्अ वर प्रजेंट इनिशियली तो इनिशियली हमारे पास में जो एक्टिविटी होगी ए नोट वो हमारे पास लेमडा एन नोट के बराबर हो जाएगी अब अपने को यहाँ पर इनिशियल एक्टिविटी जो दिखी थी वो ट्वेंटी एट थी लेमडा अपन निकाल सकते हैं एल एन टू अपॉन टी हाफ और नंबर ऑफ आइटम्स इनिशियली एल एन टू यानी ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन थर्टी यहाँ पे ट्वेंटी एट और एन नोट इससे n एन नोट की वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन टू वन टू तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है वन ट्वेंटी सेवन द वैल्यू ऑफ डिके कॉन्स्टेंट फॉर कोबाल्ट सिक्सटी इज गिवन द एक्टिविटी ऑफ टू ग्राम ऑफ द सैम्पल इज नियरली तो हमारे पास वन ट्वेंटी सेवन में लेमडा दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन मिनट इनवर्स ठीक है तो एक्टिविटी ए जो होगा वो लेमडा एन होगा तो लैमडा तो हो गया अब नंबर ऑफ़ एटम्स अपने को पता करने है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स एन के लिए अपन क्या करेंगे टू ग्राम सैंपल है तो टू ग्राम सैंपल के लिए टू बाई सिक्सटी मोल्स हो जाएंगे तो मोल्स को टू बाई सिक्सटी एन ए ये एटम्स हो जाएंगे तो यहाँ पर टू बाई सिक्सटी एन ए सिक्स पॉइंट जीरो टू इन टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री सॉल्व कर लेंगे तो एक्टिविटी हमारे पास कैलकुलेट होकर कितनी आ जाएगी फाइव इंटू टेन टू द पावर फिफ्टींथ डी पी एम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव डिके इज़ गिवन सिक्स नाइन थ्री जीरो टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल द रेट ऑफ डिके टू वन हंड्रेड ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू यानी एटी जो होगा वो वन हंड्रेड ऑफ ए नोट हो जाएगा तो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एलन ए नोट अपॉन एटी इसक्वल टू क्या एक्सप्रेशन होता है लेमडा टी तो यहाँ पर एल एन ए नोट अपॉन वन बाई हंड्रेड ए नोट लेमडा टी तो एल एन हंड्रेड लेमडा को अपन एल एन टू अपॉन टी हाफ लिख सकते हैं तो यहाँ पर एल एन टू टी हाफ सिक्स नाइन थ्री जीरो दिया हुआ है और ये टी तो टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्स नाइन थ्री जीरो एल एन हंड्रेड अपॉन एल एन टू सिक्स नाइन थ्री जीरो एल एन हंड्रेड टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू करेंगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग हंड्रेड टेन टू दावर टू यहाँ पे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू जीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी अराउंड आ जाएगी फोर सिक्स ज़ीरो फोर सिक्स तो ये लगभग किसके बराबर है फोर सिक्स ज़ीरो सिक्स जीरो सेकेंड्स के तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन ट्वेंटी नाइन ए सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज फाउंड नाइनटी परसेंट ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट आफ्टर वन डे वाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल सैंपल कैन बी फाउंड आफ्टर थ्री डेज तो हमारे पास लेमडा वन अपॉन टी एल ए नोट अपॉन एटी होता है ठीक है जब टी हमारे पास वन डे है तो लैमडा हमारे पास वन अपॉन वन एल एन ए नोट नाइंटी परसेंट ऑफ इनिशियल यानी नाइन्टी बाई हंड्रेड ए नोट इसी तरह से एट टी थ्री डी लेमडा इजक्वल टू वन बाई थ्री एलन ए नोट अपॉन ए टी दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि लेमडा तो हमारे पास बराबर है तो हमारे पास इन दोनों को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इक्वेशन वन और टू को बराबर करने पर हमारे पास जो ए टी कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज़ नाइन बाई टेन का होल क्यूब ए नोट विच इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन टू नाइन ए नोट तो ए टी जो है वो इतना होगा इसका मतलब सिंपल सा है कि जीरो पॉइंट सेवन टू नाइन परसेंटेज वाइज देखें तो सेवेंटी टू पॉइंट नाइन परसेंट है तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इफ टाइम टी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू बिकम वन थर्ड ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट वट फ्रैक्शन वुड बी लेफ्ट आफ्टर जीरो पॉइंट फाइव टी तो अपने पास इनिशियली टी टाइम पर वन बाई लेमडा एल एन एंड नोट अपॉन एंड टी से सॉल्व करें तो वन बाई ये टी इज इक्वल टू वन बाय लेमडा एन नोट वन बाय थर्ड हो रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी वन बाय लेमडा एल एन थ्री पर जीरो पॉइंट फाइव टी पर वन बाय लेमड एल एन एन नोट ये जो एन टी होगा वो मान लेते हैं एक्स नोट यानी यहाँ पर हीयर एन टी इजल टू एक्स एन नोट एक्स इज फ्रैक्शन लेफ्ट कि भाई एन नोट का कितना फ्रैक्शन ये लेफ्ट हो रहा है तो इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है वन बाय टू करते हैं अपन तो टी अपन ज़ीरो पॉइंट फाइव टी एलन थ्री अपॉन एलन वन बाई एक्स इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो वन बाई रूट थ्री हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर